अस्सलाम वालेकुम मोबाइल वाले के साथ, मैं हूं आपकी होस्ट कुरत फातिमा। अस्सलाम वालेकुम मोबाइल वाले के साथ, मैं हूं आपका होस्ट वासिल फयाज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको देती चलूं आज का मैसेज। आज का मैसेज है स्मोक के हवाले से। पाकिस्तान में स्पेसिफिकली लाहौर में आजकल काफ़ी स्मोक होता है, जिसकी वजह से आंखों का इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस पहनें और घरों में रहें, गैर ज़रूरी बाहर मत जाएँ। सो और कुरत, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो लाहौर सिटी है वो पूरी दुनिया में पॉल्यूशन में सेकेंड नंबर पर आ रहा है, जो कि हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा है। और इवन पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत मतलब नेगेटिव पॉइंट्स में जाती है कि पॉल्यूशन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो प्लीज़ गाइज, एज पॉसिबल एज यू कैन, कि आप जितना भी पोल्यूशन को अपने सराउंडिंग से मतलब कम कर सकते हैं तो प्लीज करें, बिकॉज आफ्टर ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट लाहौर एंड आफ्टर ऑल इट्स अबाउट पाकिस्तान। सो व्यूवर्स, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट बेस्टेस्ट वॉच। यस, हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं सीरीज 7 वॉच की, जिसके फीचर्स मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। आई होप वासिल आपको भी बहुत पसंद आएंगे और थोड़ी देर में ही हम आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। थोड़ी देर क्यों, हम स्टार्ट करते हैं अभी से। और जनाब, हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग अपनी एप्पल वॉच सीरीज 7 की। तो जनाब, स्टार्ट करते हैं अपनी एप्पल वॉच की अनबॉक्सिंग। सबसे पहले तो आप इसके बॉक्स को देख लें, बिकॉज जो यूजर है उनको तो आइडिया होगा कि ऑलमोस्ट सेम ही बॉक्स होता है एवरी टाइम। तो टाइम वेस्ट किए बगैर इसको ओपन करते हैं यहाँ से, लाइक दिस। दे वी गो। और मुझे जो सबसे अमेजिंग चीज़ लगती है एप्पल की वॉचेस में वो ये है कि ये जो शेप्स और डिफरेंट बैंड्स के साथ उन्होंने मतलब पिक्चर्स दी होती हैं, और कुरत ये चीज़ इट्स समथिंग अमेजिंग, जो कि डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और सबसे फ्रंट के ऊपर देखें तो उन्होंने आपको जो एप्पल वॉच का फेस है उसका लुक दिया गया है, जो कि काफ़ी डिसेंट भी है। और ये जो इसका फेस है ना, ये भी बहुत डिसेंट है। और ये आती है दो पैकिंग के अंदर, एक के अंदर इसका बैंड होता है और एक के अंदर ये प्रॉपर वॉच होगी। ठीक है, सो अब हम इसे करते हैं अनबॉक्सिंग से। इसकी जो स्ट्रिप है वो एज इट इज 13 प्रो मैक्स जैसी लगी हुई है। अगर मैं आपको व्यूअर्स इसकी प्राइस के बारे में बताता चलूं तो ये आई गेस के कोई $799 की होती है। अगर पाकिस्तानी बात करें तो 100,000 और 7,000 साथ कह लें कि 1,07,000 की राउंड फिगर होगी। तो इसको अब अनबॉक्सिंग के लिए रखते हैं। रेडी? यस। स्टेडी? यस। देयर वी गो। अब बात करें इसके कुछ बुकलेट्स की, तो एज यूजुअल ये मैनुअल गाइड के लिए। ठीक है, इसको हम एक साइड पे रखते हैं। ये आ गया इसका जो वायरलेस चार्जर है। ठीक है, इसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं, इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये डॉक होता है और ये टाइप सी की स्पोर्ट के साथ आता है, प्रॉपर टाइप सी की स्पोर्ट के साथ। ठीक है, इसको भी एज इट इज़ हम एक साइड पे रख देते हैं। और ये रही हमारी एप्पल वॉच, जो कि है 45 mm के ऊपर। अगर आप इसकी ओवरऑल पैकिंग की बात करें तो मुझे पर्सनली इसकी पैकिंग बहुत बहुत ज़्यादा स्लीक लगती है। और अगर आप बात करें, ये हार्ड है। और जो एप्पल 6 आई थी वो आई थी 44 mm के ऊपर। और कुरत, मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साइज में भी उन्होंने चेंज किया है, इट्स 45 mm। सो इसको स्लाइटली प्रेस करके बाहर निकाल लेते हैं। देर अभी बॉक्स को हम एक साइड पे रखें और इसको हम ऑन कर लेते हैं यहाँ से। आइकन तो बहुत ही क्यूट। आइकन तो एप्पल ने आइकन की वजह से ही बहुत ज्यादा, इसके पीछे लोग एग्जैक्टली। और इसके अगर हम पीछे से लुक की बात करें तो काफी शाइनी और ग्लॉसी लुक बनाई हुई है उन्होंने। और अगर मैं बात करूं इसके ओवरऑल एल्युमिनियम फ्रेम की,
तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी है। आफ्टर ऑल ये 100,000 के करीब है, तो 1,00,000 से ऊपर की अगर कोई प्रोडक्ट बनाई है एप्पल ने, तो ऑब्वियसली उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको भी उन्होंने मद्देनजर रखा है। सो फॉर द टाइमिंग इसको एक साइड पे रखते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके बैंड की जो के साथ एप्पल वालों ने आपको प्रोवाइड की है, तो इसको हम यहाँ से अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ से इसका भी सेम वही 13 प्रो मैक्स वाला ही सीन है कि यहाँ से आपने उसको ओपन करना है। जस्ट अ मिनट, लिंक तो अब इसके बैंड को ओवरऑल हम देखते हैं। ये रहा इसका बैंड, और अगेन एप्पल वॉच मेंशन किया हुआ, ये अगेन कुछ बुकलेट्स हैं। और यहाँ पे अगेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ बॉक्स, और उसके अंदर जो बुकलेट्स और उसके बोर्ड की क्वालिटी, उसकी डायमेंशंस को जैसे उन्होंने आपको यूज़र गाइड किए हुए हैं मैनुअल यूज़र ने, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बताया जैसे कि उन्होंने मतलब इस बैंड को यूज़ कैसे करना है, लगाना कैसे है, तो इट्स समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे दी गई हैं हमें दो साइड्स आती हैं, आप अपने साइज़ के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई लेडीज़ यूज़ करें तो आई गेस वो स्लिम और स्मार्ट की तरफ जाएंगी जिसके, और अगर कोई जेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो इस साइड पर उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम फॉर द टाइमिंग साइड पे रखते हैं। इसको ऑन हमने कर लिया, आई गेस इसको अब कनेक्ट करना पड़ेगा उसके साथ। अगर हम इसको कैंसिल पे जाते हैं तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फीचर जानते हैं, वो ये है कि जो एप्पल वॉच सीरीज 6 थी उसके अंदर सबसे पहले क्या इशू आ रहा था कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट जानता था वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता था, बट यहाँ पे कीपैड आता है जस्ट बिकॉज इट्स 44 mm, तो 44 mm के लिए उसमें ये पॉइंट्स हैं कि इसके जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम उन्होंने करती हैं, स्क्रीन साइज़ को बड़ा करती है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और बाकी इसके जो डीप फीचर्स होंगे हम इसको 10-15 days यूज़ करने के बाद अपने व्यूवर्स को गाइड करेंगे। तो कुरत, आप हमें इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में मुझे बता रही थी, तो हमारे व्यूवर्स को भी बताती चलें प्लीज। दरअसल मैं ज़रूर बताऊंगी, मैं इसकी सबसे अच्छी जो बात व्यूवर्स के साथ और आपके साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूं, तो ये मेडिकल इश्यूज से रिलेटेड हमें बहुत बेनिफिट्स देने वाली है। मैं स्टडी कर रही थी कि ये इससे हम मेजर कर सकते हैं ब्लड ऑक्सीजन लेवल, लाइक आपको सिर्फ हाथ में पहनने की जरूरत है, और आई गेस कि वो बैंड को टाइट करने के लिए टाइटली, एंड वन ऑफ द अमेजिंग फीचर कि हम ईसीजी जो है हमें से पता चल जाती है। और इवन जो है एप्पल की वेबसाइट पे मैं देख रही थी, वो क्लेम कर रहा है कि जो ईसीजी हमें एप्पल सीरीज 7 वॉच से मिलेगी वो बिल्कुल इक्वल होगी, लाइक वी आर टेकिंग द ईसीजी इन हॉस्पिटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रोफेशनली जो है। सो ये हमें बहुत क्रिटिकल डाटा देगी, डॉक्टर्स के लिए भी अच्छी है, और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो उसके लिए वो बहुत अच्छी है कि आप इसे अपने एप्पल फोन के साथ कनेक्ट करें और वॉच आप अपने पेशेंट को पहना दें। अगर कोई फॉल हो जाता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो हार्ट रेट ईच एंड एवरीथिंग हमें पता चल जाए। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये जिम इक्विपमेंट के लिए आपकी कैलोरीज वगैरह, वो तो प्रीवियसली जितनी भी एप्पल वॉच सीरीज थी वो दे प्रोवाइड कर रही थी, बट इसका यूज हम जिम वर्कआउट के लिए भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इनकी डिटेल्स कैलोरीज का भी मिलता है, आपके आपके आप कितना चल रहे हैं, आपकी वॉकिंग कितनी हो रही है, कितने कैलोरीज बर्न हो रही है, वो सारी डिटेल्स आपको इस वॉच के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। वैसे मैं खुद भी वर्कआउट करती हूँ, तो आप ये मुझे कब गिफ्ट कर रहे हैं? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब आई गेस कि मैं देना भी पसंद नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा होने नहीं वाला। जी, ये फिटनेस फ्रीक के लिए बहुत अच्छी वॉच है, इसमें आपको पता चलेगा आपके कितने कैलोरीज बर्न हो रहे हैं, आपके बॉडी मूव्स क्या है, तो ये सारी चीजें इस वॉच में हमें मिलती है। सो होपफुली गाइस, जो आज की अनबॉक्सिंग थी वॉच सीरीज 7 की, वो आपको काफी पसंद आई होगी। नो डाउट हमारी आने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियो को स्क्वीज करके आप तक अनबॉक्सिंग लेके आए, ताकि आप उसकी फर्स्ट लुक को ओवरऑल चेक कर सकें। और साथ ही साथ पूरा आपको क्लोजिंग पे मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, जो आप बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती थी। जी व्यूअर्स, तो हम इसका डिटेल रिव्यू कुछ दिन के बाद लेके आएंगे, क्योंकि अभी वासिल आप ये वॉच यूज करेंगे, देन हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि इसके अमेजिंग फीचर्स कितने यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं। मजीद जो मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन पर
प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कुरत, मैं आपको एक और चीज बताता चलूं और अपने व्यूवर्स को भी कि अब जो हमारी आने वाली वीडियो होगी वो होगी एयरपॉड 3 के ऊपर, जो कि अभी लेटेस्ट डिवाइसेज आए हैं। एज सून एज पॉसिबल हम तक वो आते हैं तो हम आपके लिए उसकी अनबॉक्सिंग जरूर करेंगे। सो प्लीज गाइस स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, इजाजत दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।